और खुश आमदीद मेरे चैनल में एक नए ब्लॉग के साथ। तो उम्मीद है आप सब लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। तो पसंद आते हैं तो लाइक को मैं लाजमी किया करें। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ क्विज लगाए थे, अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया तो मैं यहाँ पर पेज का नेम लिख दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी और यहाँ भी, ठीक है। तो मैंने ना कुछ मतलब एक क्विज लगाया, फिर कुछ दिनों बाद एक और क्विज लगाया। तो मैंने काफ़ी सारे क्विज लगाए थे, मेरी गैलरी पूरी पड़ी है स्क्रीन शॉट से। ये देखिए स्क्रीन शॉट से सारी गैलरी पूरी पड़ी है मेरी। तो मैंने इंस्टा पे क्विज लगाया था, पूछा था कि ये सब मैं एक यूट्यूब पे वीडियो बना के आप लोग का शेयर करूँ। तो कब सारे लोगों ने कहा यस, तो मैंने कहा चलो वीडियो बनाती हूँ यूट्यूब पर। कलाकार ना एक जो क्विज का होता है वो लगाते हैं, ठीक है। तो फिर वो मैंने वीडियो लिखा था, फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है जी, मैंने सोचा था कि आज मैं क्वेश्चन बॉक्स दिया था उसके अंदर फिर लिखा था। सबसे पहला है कि उन्होंने कहा कि दो चीज़ें चूज करेंगे, या पिज़्ज़ा या बर्गर। तो मैं पिज़्ज़ा चूज करूँ क्योंकि पिज़्ज़ा मुझे खाने में अच्छा बहुत लगता है, उससे मुझे पता था पेज भी बनता था, ठीक है। सेकंड है पेप्सी या फैंटा। मेरे ख्याल से फैंटा, क्योंकि फैंटा ठीक रहती है, पेप्सी ठीक है ना, जीत जीत से जीत जीत से दूसरा हो रहा था। तीसरा है कि ग्लो विथ महविश या महविश गीत। अच्छा उन्होंने पूछा है कि इंस्टाग्राम आप चूज़ करेंगे या यूट्यूब, क्योंकि एक का नाम यूट्यूब का महविश रीद और वहाँ का ग्लो विथ महविश है चूज़ करूँगी, क्योंकि दोनों ही मेरे और दोनों में मेन है, तो इसलिए मैं दोनों चूज़ करूँगी, ठीक है। उसके बाद है कि लव योर ब्लॉग्स, जजाकल्ला बहुत बहुत। ब्लॉगिंग कब स्टार्ट की, इंस्टाग्राम पर पूछ रही हैं आप। तो इंस्टाग्राम पर मैंने 2020 में लिखा था, 30 जून को मैंने फर्स्ट पोस्ट डाली थी। ब्लॉगिंग की इंस्पायरेशन कौन था, बहुत सारे लोग थे और बस मैं शौक था, अगर फिर मैंने बना लिया था पेज, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर मैंने कुछ दिनों बाद एक और क्विज लगाया था, उसके अंदर मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप सब लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। एक ब्लॉग किया था कि उसके अंदर बताएं आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने जो जवाब दिए वो आप लोग का शेयर करती हूँ, ठीक है। ये देखिए सारे जवाब मेरे पास सामने हैं, इस और लेकर रख लेती हूँ, ठीक है ना। इंस्टाग्राम स्टोरी हट जाती है तकरीबन 21 घंटे बाद, मेरे ख्याल से 17 घंटे बाद। तो सबसे पहले है जी, असल में उन लड़कियों के नेम नहीं ले रही, उनके पेज का नेम नहीं ले रही जिन्होंने मुझे रिस्पॉन्सेज दिए हैं। सबसे पहला है कि बहुत अच्छे और बनाए गए, बहुत शुक्रिया। अगला है कि नाइस। इसके बाद अगला है कि अच्छे ब्लॉग होते हैं आपके। उसके बाद है कि ज़बरदस्त फीडबैक, बहुत शुक्रिया जी। उसके बाद है कि बहुत अच्छे और बहुत अच्छे होते हैं फीडबैक, बहुत शुक्रिया जी। जजाकल्ला है मज़े के, बहुत शुक्रिया आपका भी। और तीसरे है ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। चौथे ने कहा है कि अच्छा मुझे अब पता लगा है कि जो टी बी और ऐसे लिखा होता है तभी इसका मतलब होता है, तो टू बी ऑनर्स। मैं कहती थी पता नहीं क्या ये तभी तभी सब लिखते रहते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि टू बी ऑनर्स अभी तक देखे नहीं, तो कोई मसला नहीं है, आप देख लें। अगला आज भी अगला व्लॉग कब आएगा, अच्छा बहुत दिनों पहले का लगाया हुआ। तो जो मैंने अगला व्लॉग डाला था वो बहावलपुर वाला था मेरे ख्याल से, वो दिल्ली वाला था या कोई शामी वाला था, इस तरह कुछ था। उसके बाद है कि बेस्ट व्लॉगर एवर, जजाकल्ला बहुत शुक्रिया। फिर मैंने कुछ और दिनों बाद ना एक और इंस्टा पे लगाया था, इस तरह का ना एक वो क्विज सा होता है वो लगाते हैं, ठीक है। तो फिर वो मैंने जो लिखा था ना उसके आंसर मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने लिखा था कि वो कौन सी सूरत है कुरान पाक में जिसके स्टार्ट में बिस्मिल्लाह नहीं पड़ी जाती। मैंने 3 दिए थे, अच्छा इसका आंसर सूरह तौबा था, लेकिन मैंने अब सही आंसर भी एक तो दे सकती थी ना, इसलिए फिर मैंने 3 आंसर दिए थे। एक दिया था मैंने सूरह तौबा, एक दिया था सूरह बकरा, एक दिया था सूरह रहमान। तो सारे लोगों ने सूरह तौबा ही किया, सबका ठीक था आंसर, ठीक है। तो सूरह तौबा है जिसके स्टार्ट में बिस्मिल्लाह नहीं पड़ी जाती, सबका ठीक था आंसर। फिर उसके बाद अगला मैंने पूछा था कि कौन कौन सी शहर से है, मैंने फिर उसके अंदर जो दिए थे ना मैंने 4 मैंने दिए थे, भावलपुर दिया था मैंने, कराची दिया था, इस्लामाबाद दिया था, इस तरह से सर ने कहा था कि इस्लामाबाद नहीं दिया था, कराची दिया था, लाहौर दिया था, भावलपुर दिया था, ठीक है। उसके अंदर एक ने कहा कराची, एक ने कहा भावलपुर, एक ने कहा कराची, एक ने कहा भावलपुर और एक ने फिर कहा भावलपुर और एक ने कहा कराची, फिर एक ने कहा लाहौर, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद मैंने एक और लगाया था, वो कहाँ गया, एक मिनट एक मिनट ढूंढू, बहुत सारे स्क्रीन पर तो मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। उसके बाद मैंने लगाया था कि आप सब लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो एक ने कहा था, मैंने कहा था, एक मैंने आंसर दिया था, मतलब 3 मैंने दिए थे ऑप्शंस, एक दिया था यस वी लव इट और नो, 3 दिए थे मैंने, तीनों में से मैंने कहा जो भी जो कोई चूज़ करें मुझे तो पता लग जाएगा ना। तो पहले ने किया है यस, दूसरे ने किया आंसर वी लव इट, तीसरे ने भी वी लव इट, चौथे ने भी वी लव इट, एक ने किया है यस, एक ने किया है वी लव इट, ठीक है। और उसके बाद फिर एक और ने किया है वी लव इट, मतलब काफ़ी सारे लोगों ने विलव किया तो बहुत शुक्रिया। तो उसके बाद मैंने एक और लगाई थी, कल फोन शेयर कर रही हूँ ना, ये मैंने एक ही दिन में लगाए थे। तो ये मैंने कहा था कि जो मैंने ई सीरीज़ बनाई थी छोटी ईद पे, ईद डे 1 ब्लॉग, ईद डे 2 और ईद डे 3 और चांद रात की इसी के अंदर आ जाती है। तो मैंने एक लगाया था कि वॉटर शो बहुत मजे के थे ईद ब्लॉग,
या बहुत अच्छे थे। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत जिसको बहुत मज़े के थी किया कि बहुत मज़े के थी ईद ब्लॉग, तो बहुत शुक्रिया। फिर मैंने पूछा था कि मैं बकरा ईद पे भी ईद ब्लॉग सीरीज बनाऊँ, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था यस बनाए। तो इंशाल्लाह बकरा ईद पे भी आएगी ईद डे वन और ईद डे टू और ईद डे थ्री ब्लॉग, ठीक है। और चांद रात की भी इंशाल्लाह सब लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। उसके बाद मैंने भावलपुर वाला जो ब्लॉग डाला था, तो मैंने इंस्टा पे स्टोरी लगा के पूछा था सबने लगा कि आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा। एक मैंने दिया था ऑप्शन के वोट पे ज़बरदस्त या बहुत अच्छा, तो बहुत सारे लोगों ने ज़बरदस्त कहा, बहुत सारे लोगों ने अच्छा कहा। अच्छा ये वाला ब्लॉग है, ये वाला ब्लॉग, ये देखें ये वाला भावलपुर वाला ब्लॉग है, इसका मैं लिंक भी नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख लीजिएगा। एक दिन में इसके अंदर माशाल्लाह 30 व्यूज आए हैं स्टार्ट में, ये बहुत बड़ी बात है। और माशाल्लाह इसके 50 व्यूज होने वाले हैं जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है जी। और चीज़ आप लोग शेयर कर देती क्योंकि रिस्पॉन्सिव सारे हो गए हैं, मैं देख रही कोई रहा तो नहीं गया, मैं लोगों को शेयर कर दूँ तो सारे हो गए हैं तकरीबन। तो इतने सारे रिस्पॉन्सेज जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए, उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आई होगी आज की वीडियो। पसंद आई तो इसको लाइक कमेंट करना है, लाजमी सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। और आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे आप लोग बताते हैं कि इस वीडियो पे इस टॉपिक पे ये वीडियो बनाए, तो मेरे पास टॉपिक बहुत सारे हैं लेकिन पेपर्स होने वाले हैं हम लोगों के तकरीबन कब होने हैं, जुलाई के एंड में हम लोग के पेपर है बकरा ईद के बाद, तो इंशाल्लाह उसके बाद जब मेरे पेपर हो जाएंगे ना उसके बाद फिर मैं रेगुलर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूंगी। लेकिन अभी हमारे इतना मिट्टी हुआ वैसे, मैंने कहा चलो ये लगाऊं, थोड़ी तो मिट्टी कम हो। मम्मी तेरा मानो हुई 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 के काम चेक करें बस। तो उसके बाद हम लोग बनाना शुरू हो गए थे समोसे, क्योंकि संडे था और उमर भाई भी आए हुए थे, तो हमने कहा चलो समोसे बनाते हैं, ठीक है। बाजार से हम लोग पट्टियाँ लेके आए थे और बाकी मैरिनेट करने का तरीका वही था, ठीक है। तो यही थे मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर मैं बताती रहती हूँ कि कौन सा व्लॉग आने वाला है या कौन सा व्लॉग रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। तो जी यही था मेरा आज का व्लॉग संडे का एक छोटा सा, उम्मीद है सब लोगों ने इंजॉय किया होगा। इंजॉय किया हो तो इसको लाइक कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब, और इंशाल्लाह सब लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। और अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।